जी सर, अच्छा जी, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन करता है कि जो शेयर प्राइस के अंदर चेंज आता है वो शेयर प्राइस के अंदर चेंज किस वजह से आता है, और जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का क्या रोल है स्टॉक मार्केट के अंदर, जब इंफॉर्मेशन आती है कंपनी के बारे में तो हाउ इट अफेक्ट्स दी शेयर प्राइस, ये है कॉन्सेप्ट एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का, ठीक है। अब एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस इज अ क्लेम, क्लेम क्या है, क्लेम ये है कि स्टॉक मार्केट जो है वो एफिशिएंट होती है, ये है क्लेम। एक्चुअली होती है या नहीं होती हम इसको चेक करेंगे कि वाकई स्टॉक मार्केट एफिशिएंट होती है या नहीं होती, तो इस क्लेम को जस्टिफाई करने के लिए टेस्ट किया जाते हैं कि टेस्ट फॉर एफिशिएंसी कि वाकई स्टॉक मार्केट एफिशिएंट है या नहीं, अगर एफिशिएंट है तो उसका क्या मतलब होगा और अगर एफिशिएंट नहीं है तो उससे क्या होगा, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय के एफिशिएंट मार्केट है क्या, अगर स्टॉक मार्केट वाकई एफिशिएंट है तो क्या होगा। एफिशिएंट मार्केट का मतलब यह है कि नो वन कैन बीट द स्टॉक मार्केट। अगर कोई शख्स स्टॉक मार्केट को बीट कर दे तो इसका मतलब है स्टॉक मार्केट एफिशिएंट नहीं है, और अगर किसी शख्स के पास कोई इंफॉर्मेशन आती है और उस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर डिसीजन लेता है शेयर्स बाय करने का और सेल करने का और उसको कोई फायदा ना हो तो इसका मतलब है स्टॉक मार्केट इज एट पार विद द इंडिविजुअल और स्टॉक मार्केट ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल। नाउ लेट्स एक्सप्लोर दिस, ये नो वन कैन बीट द मार्केट का मतलब क्या, और एफिशिएंसी का लेवल्स क्या होते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम ये अज्यूम करें कि एक शख्स के पास ये इंफॉर्मेशन आती है कंपनी के बारे में कि कंपनी डिविडेंड अनाउंस करने वाली है, डिविडेंड अनाउंसमेंट की इंफॉर्मेशन एक शख्स के पास आती है, ठीक है। अब डिविडेंड अनाउंस करना अच्छी न्यूज है या बुरी न्यूज है? अच्छी न्यूज है। शेयर प्राइस पे क्या अफेक्ट पड़ना चाहिए? इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज होनी चाहिए, होगी नहीं, इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। अब हुआ ये कि इंडिविजुअल के पास डिविडेंड अनाउंसमेंट की न्यूज आई और जब उसने शेयर्स परचेज किए एंटिसिपेट करके कि स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ जाएगी, मैं पहले से खरीद लूं, तो एक इम्पैक्ट क्या हुआ, स्टॉक मार्केट में प्राइस बढ़ गई, स्टॉक प्राइसेस इंक्रीज हो गई। दूसरा इम्पैक्ट ये हुआ कि स्टॉक प्राइसेस में नो चेंज, या स्टॉक प्राइसेस उसके डिसीजन लेने से पहले ऑलरेडी ऑलरेडी नो चेंज को हटा देता हूं यहां से, स्टॉक प्राइसेस उसके डिसीजन लेने से पहले ऑलरेडी चेंज हो चुकी थी, रिएक्शन जो है वो स्टॉक मार्केट ने पहले शो किया प्राइस एडजस्टमेंट का एज कंपेयर टू इंडिविजुअल। तो अगर फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में इंडिविजुअल ने पहले रिएक्शन लिया तो इस केस के अंदर हम ये कहेंगे मार्केट इज नॉट एफिशिएंट। और दूसरे केस में कहेंगे कि स्टॉक मार्केट ने पहले प्राइस अपडेट कर दी तो दैट मींस मार्केट इज एफिशिएंट। तो इंडिविजुअल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद उस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर अगर कोई गेन अर्न नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब है स्टॉक मार्केट इज एफिशिएंट, और अगर वो गेन अर्न कर लेता है सो दैट मींस कि स्टॉक मार्केट इज नॉट एफिशिएंट। बट स्टिल हमें ये कैसे पता लगेगा कि एफिशिएंट स्टॉक मार्केट का मतलब क्या होता है, तो उसके लिए हम एफिशिएंसी के लेवल चेक करते हैं कि एफिशिएंसी के लेवल क्या होते हैं, लेवल ऑफ एफिशिएंसी। अच्छा, ये जो एफिशिएंसी है, दिस एफिशिएंसी इज व्हाट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एफिशिएंसी ऑफ स्टॉक मार्केट। ये स्टॉक मार्केट में जो नई इंफॉर्मेशन आती है उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, कितनी जल्दी इंफॉर्मेशन शेयर प्राइस के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाती है, इसे हम कहते हैं एफिशिएंसी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टाइम या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एफिशिएंसी। सो इस एफिशिएंसी के तीन लेवल्स होते हैं। मिनिमम लेवल इज कॉल्ड वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट, स्मॉल फॉर्म,
सेकेंड स्टेज इज सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट मार्केट एंड द मैक्सिमम लेवल इज स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट मार्केट, यानी कि कोई स्टॉक एक्सचेंज वीक फॉर्म पे होगी, कोई सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म के ऊपर होगी. क्या स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी होती है? तो इसका मतलब है, इसका हम कहते हैं नो. प्रैक्टिकली दुनिया में कोई भी मार्केट ऐसी नहीं है जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट मार्केट हो. एंड यूके एंड यूएस स्टॉक मार्केट्स आर या शो सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी. और दुनिया में कोई भी मार्केट ऐसी नहीं है जो बिल्कुल परफेक्ट लेवल ऑफ एफिशिएंसी शो करे, यानी कि तीनों लेवल्स अचीव कर रही है स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी. अब इनका मतलब क्या है ताकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीक फॉर्म एफिशिएंसी? वीक फॉर्म एफिशिएंसी का मतलब है कि स्टॉक मार्केट के अंदर या स्टॉक प्राइसेस के अंदर स्टॉक प्राइसेस रिफ्लेक्ट ऑल पास्ट इंफॉर्मेशन. अगर शेयर प्राइस के अंदर पास्ट में जो कुछ चेंजेस आई हैं किसी कंपनी के बारे में, अगर वो इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ है, तो कोई शख्स कंपनी के पास्ट को स्टडी करके अगर शेयर्स खरीदता है तो उसको उस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर कोई फायदा नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उस इंफॉर्मेशन का अफेक्ट शेयर प्राइस के अंदर ऑलरेडी एडजस्ट हुआ हुआ है. अब वो इंफॉर्मेशन उसके पास आती है तो ये इंफॉर्मेशन सबके पास है, नॉन इंफॉर्मेशन है, और इसका इंपैक्ट ऑलरेडी शेयर प्राइस के अंदर प्लस या माइनस की फॉर्म में हो चुका है. तो हम कहेंगे कि स्टॉक मार्केट कम अज कम किस तरह की एफिशिएंट मार्केट है? मिनिमम वीक फॉर्म एफिशिएंट तो है कि नोबडी इज गेटिंग बेनिफिट बाय स्टडीइंग पास्ट इंफॉर्मेशन एंड नॉट गेनिंग एनी अनड्यू एडवांटेज फ्रॉम स्टॉक मार्केट. और ये तो कम से कम होती है दुनिया में, वीक फॉर्म एफिशिएंसी तो नॉर्मली होती है. अगर कोई स्ट्रॉन्ग मार्केट स्टॉक मार्केट ये कहती है कि वो सेमी स्ट्रॉन्ग है, तो उसको किस लेवल की एफिशिएंसी शो करनी पड़ेगी? शेयर प्राइस या स्टॉक प्राइस रिफ्लेक्ट्स नंबर वन पास्ट इंफॉर्मेशन एंड नंबर टू इट रिफ्लेक्ट्स पब्लिक इंफॉर्मेशन. व्हाट इज पब्लिक इंफॉर्मेशन? रूमर्स, कंपनीज अनाउंसमेंट. नहीं, रूमर्स नहीं, कंपनी की अनाउंसमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अनाउंसमेंट रिगार्डिंग कंपनीज इंफॉर्मेशन. अब देखिए होता क्या है, होता यह है कि जब कंपनी की कोई इंफॉर्मेशन आती है नई, तो उसका जो इम्पैक्ट आता है वो इमीडिएटली स्टॉक मार्केट के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाता है. यानी कि स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एफिशिएंसी इतनी अच्छी है कि यहाँ वो न्यूज ब्रेक हुई और किसी इंडिविजुअल को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला. अगर वो पॉजिटिव न्यूज थी तो स्टॉक प्राइसेस बढ़ गई, और अगर वो नेगेटिव न्यूज थी तो स्टॉक प्राइस गिर गई. अब अगर ऐसा हुआ तो हम कहेंगे कि नो वन कैन बीट द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन. और अगर ऐसा नहीं हुआ, कंपनी की अनाउंसमेंट हुई और शेयर प्राइस स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़े टाइम के बाद अपडेट हुई, तो उससे पहले अगर कोई इंडिविजुअल कोई एक्शन लेता है बाय या सेल करने का, तो क्या उसे कोई बेनिफिट मिलेगा? जी. और बेनिफिट क्या होगा? उसका रिएक्शन टाइम क्योंकि फास्ट था इंडिविजुअल का, तो उसने स्टॉक मार्केट को बीट कर दी. अगर उसने स्टॉक मार्केट को बीट किया ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन, तो हम कहेंगे स्टॉक मार्केट इज शोइंग ओनली वीक फॉर्म एफिशिएंसी एज पब्लिक इंफॉर्मेशन इज नॉट रिफ्लेक्टेड इमीडिएटली. सही है जी. तीसरा लेवल जो कि नहीं होता,
बट थ्योरिटिकली हम उसको चेक कर सकते हैं एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। अगर एक स्टॉक मार्केट ये क्लेम करती है कि जी हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट मार्केट हैं, तो वो शो करना चाहिए उसको कम अज कम पास्ट इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो रही हो, पब्लिक इंफॉर्मेशन भी रिफ्लेक्ट हो रही हो स्टॉक मार्केट के अंदर इमीडिएटली, और इनसाइड इंफॉर्मेशन या जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन है वो भी शेयर प्राइस के अंदर रिफ्लेक्ट हुई भी हो। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि एक शख्स है, उसको कोई डायरेक्टर हिडन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और बताता है कि हमारा एक मर्जर अनाउंस होने वाला है या हमारी एक मर्जर की डील फाइनलाइज होने वाली है। अब उस इंडिविजुअल ने क्या किया, वो इंफॉर्मेशन ली, एंटिसिपेट किया शेयर प्राइस बढ़ जाएगी, सही है, और उसने स्टॉक मार्केट से शेयर परचेज कर लिया। स्टॉक प्राइस बढ़ी नहीं रही, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन थी, जब वो इनसाइडर इंफॉर्मेशन पब्लिक हुई तब भी स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ी। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक मार्केट को पहले से पता था कि इस तरह की कोई न्यूज है और उसने फौरन स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइस को अपडेट कर दिया था। तो ये जो बंदा था, ये अगर इंडिविजुअली कोई इंफॉर्मेशन लेके बैठा हुआ है तो उसको कोई फायदा नहीं हुआ शेयर परचेज करने। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे स्टॉक मार्केट जो है वो तीन तरह की एफिशिएंसी शो कर रही है, वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनसाइडर इंफॉर्मेशन सिर्फ डायरेक्टर्स के पास होती हैं, जो डिसीजन मेकर होते हैं उनके ब्रेन में होती है, उनके निगोसिएशन में होती है, पब्लिक को पता नहीं होती। तो अब लोग स्टॉक मार्केट को बीट कैसे करते हैं? लोग स्टॉक मार्केट को बीट किस तरह से करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ इनसाइड न्यूज, क्योंकि इनसाइड न्यूज पब्लिक कब होगी? जब डायरेक्टर अनाउंस करेंगे। अगर पब्लिक होने से पहले किसी को इनसाइड इंफॉर्मेशन पता लग जाए तो कैन ही और शी बीट द मार्केट? तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, लोगों को डिस्करेज करने के लिए कि वो इनसाइडर इंफॉर्मेशन यूज ना करें, हम लॉस बना देते हैं, सजाएं लग देते हैं ताकि लोग डिस्करेज हों और इनसाइडर इंफॉर्मेशन का मिसयूज ना करें। अच्छा, ये जो एफिशिएंसी का लेवल है ना, वीक फॉर्म और सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म, ये डेवलप्ड कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री पे भी बहुत ज्यादा बेस कर रहा होता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वहां पर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत अच्छा होता है, तो उसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट का प्रोसेसिंग मैकेनिज्म होता है वो बहुत फास्ट होता है। लेकिन जो हमारे जैसे कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज, वहां पर स्टॉक मार्केट का मैकेनिज्म इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इतना अच्छा नहीं होता। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बीट द स्टॉक मार्केट, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। सही। अब अगर फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक मार्केट एफिशिएंट है, तो उस एफिशिएंट स्टॉक मार्केट के अंदर व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर? अगर स्टॉक मार्केट एफिशिएंट है तब क्या रोल होगा, और अगर स्टॉक मार्केट नॉट एफिशिएंट या इनएफिशिएंट है या पुअर एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट कर रही है, तो फाइनेंस मैनेजर का रोल क्या होगा? फाइनेंस मैनेजर क्या करता है? क्या ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंस मैनेजर का? शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, और शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए वो डिसीजन लेता है अबाउट द डिविडेंड पॉलिसी, फाइनेंसिंग पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ताकि कंपनी की नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइज हो और शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए। अगर मार्केट एफिशिएंट है तो इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई र्यूमर्स वगैरह भी आते हैं तो उसका भी स्टॉक मार्केट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो फाइनेंस मैनेजर का रोल जो ना बड़ा लिमिटेड हो जाता है। इन केस ऑफ एफिशिएंट मार्केट फाइनेंस मैनेजर को क्या करना चाहिए? फाइनेंस मैनेजर को सिंपली
क्या करना चाहिए, फोकस ऑन कंपनीज एक्टिविटीज। उसे स्टॉक मार्केट को देखने की जरूरत नहीं कि वहां क्या हो रहा है, क्योंकि वहां पर जो कुछ हो रहा होगा सब फेयर बेसिस के ऊपर हो रहा होगा, कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं हो सकती, किसी र्यूमर का इम्पैक्ट नहीं आ सकता अगर वाकई एफिशिएंट मार्केट है तो। हाँ, जब मैं एफिशिएंट का नाम लूंगा इसका मतलब परफेक्ट एफिशिएंसी। लेकिन अगर वो परफेक्ट नहीं है तो फिर फाइनेंस मैनेजर या जो रेगुलेटर्स हैं उनको ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना होगा, क्योंकि अगर कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन लीक होती है, कोई र्यूमर्स वगैरह क्रिएट होते हैं तो स्टॉक मार्केट रिएक्ट करती है और फिर अननेसेसरली या तो हमारी शेयर प्राइस अंडर वैल्यूड हो जाती है या ओवर वैल्यूड हो जाती है। मसलन फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ती जा रही है और कंपनी कोई अच्छा काम नहीं कर रही, व्हाट टू डू नाउ? तो फाइनेंस मैनेजर की ये ड्यूटी बनती है कि वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ये बताए कि मार्केट में जो र्यूमर्स चल रहे हैं ना कंपनी के बारे में, वो र्यूमर्स सही नहीं है और कंपनी ऐसा कोई प्लानिंग नहीं कर रही जिससे मार्केट एंटिसिपेट कर रही है अच्छे रिजल्ट आएंगे, ताकि कंपनी की प्राइस अननेसेसरीली ओवर वैल्यूड ना हो जाए। अननेसेसरीली अच्छी बात नहीं है ना, अगर र्यूमर्स की वजह से ओवर वैल्यूड होगा तो कुछ अरसे बाद क्या होगा? अगर ओवर वैल्यूड शेयर होंगे तो उसके साथ क्या होगा कुछ अरसे बाद? ड्रॉप होगा। तो हम तो जेन्युइन इंक्रीज करने की बात करते हैं ना, हम तो कहते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, परफॉर्मेंस के साथ शेयर प्राइस बढ़े तो ज्यादा अच्छा है, र्यूमर्स के साथ बढ़े आर्टिफिशियली बढ़े तो नुकसान है कंपनी के लिए, इन्वेस्टर पैनिक हो जाएगा। स्टार्टिंग में फायदा होगा ना सर जी, स्टार्टिंग में जो इंक्रीज होगा तो फायदा होगा। नहीं देखिए, शेयर प्राइस बढ़ने से शेयर होल्डर्स को फायदा तो हमेशा होता है, चाहे स्टार्टिंग हो या बाद में हो, लेकिन अगर वो शेयर प्राइस कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो और एथिकल ग्राउंड्स पे इंक्रीज हो, फैक्चुअल ग्राउंड्स पे इंक्रीज हो, तब तो फायदा है। लेकिन अगर वो कभी ऊपर हो रही है कभी नीचे हो रही है र्यूमर्स की बेसिस के ऊपर, तो शेयर होल्डर को नुकसान भी तो हो सकता है। तो फाइनेंस मैनेजर की ड्यूटी है कि वो चेक एंड बैलेंस रखे कि मार्केट मैकेनिज्म की वजह से प्राइस अनफेयर तो मूव नहीं हो रही, अगर अनफेयर मूव हो रही है तो उसका काम है कि वो मार्केट को क्लेरिफिकेशन देगा, एनालिस्ट को क्लेरिफिकेशन देगा कि जी कंपनी ऐसा कुछ प्लान नहीं कर रही जिसके बारे में मार्केट के अंदर न्यूज चल रही, ये उसकी ड्यूटी है। लेकिन अगर मार्केट एफिशिएंट नहीं है या वो मैक्सिमम एफिशिएंट लेवल पे नहीं है, वीक फॉर्म एफिशिएंट है फॉर एग्जांपल, तो अब फाइनेंस मैनेजर का रोल डबल हो जाता है। पहला रोल तो उसका ये होता है टू फोकस ऑन कंपनीज एक्टिविटी, ये तो उसका रोल हमेशा रहेगा, और दूसरा टू कीप एन आई ऑन स्टॉक एक्सचेंज, मार्केट मैकेनिज्म, ताकि वहां पर अगर कोई अननेसेसरी प्रैक्टिस हो रही हो तो उस प्रैक्टिस को डिस्करेज किया जाए। सही है जी। अच्छा जी, शेयर्स वैल्यूएशन के बारे में या शेयर प्राइस की मूवमेंट के बारे में दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, और रादर मुझे कहना चाहिए शेयर प्राइस की बिहेवियर के बारे में, देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स। वन स्कूल ऑफ थॉट आर कॉल्ड फंडामेंटल या फंडामेंटलिस्ट, अनदर स्कूल ऑफ थॉट इज कॉल्ड चार्टिस्ट और टेक्निकल एनालिस्ट। अब इसे अंडरस्टैंड करें कि ये कौन लोग हैं और ये किस तरह से शेयर प्राइस के बारे में अपने क्लाइंट्स को बताते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं या एंटिसिपेट करते हैं अबाउट द शेयर प्राइस मूवमेंट। देखिए, एनालिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। क्यों, क्या रोल होता है एनालिस्ट का? एनालिस्ट जो होते हैं दे आर एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट्स होते हैं, तो ये एक्सपर्ट्स एडवाइस देते हैं अपने क्लाइंट को कि वेयर टू इन्वेस्ट, और उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज की बेसिस के ऊपर ये इवैल्यूएट किया हुआ होता है कि फ्यूचर शेयर प्राइस कैसे मूव होगी,
और बाज दफा उनकी प्रेडिक्शन इतनी अच्छी होती है कि एग्जैक्टली वोसी फॉर्म में शेयर प्राइस मूव कर रही होती है, तो क्या उनके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन है? अगर इनसाइडर इंफॉर्मेशन लेके कर रहे हैं तो इलीगल, और अगर सिर्फ अपनी एक्सपर्टीज और मार्केट एक्सपीरियंस की बेसिस पे गेस कर रहे हैं कि कंपनी के रिजल्ट अगले साल अच्छे आएंगे, कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, कंपनी को नया प्रोडक्ट लॉन्च सक्सेसफुली कर लेगी, अगर वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो दे कैन गिव अ बेटर एडवाइस टू देयर क्लाइंट अबाउट द फ्यूचर स्टेट ऑफ द मार्केट. तो ये फंडामेंटलिस्ट कौन होते हैं? फंडामेंटलिस्ट की थॉट ये होती है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो प्राइस मूवमेंट आती है वो कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज होने की वजह से आती है. अगर कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज होंगे, अगर कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई चेंज आएगा तो चेंज का इम्पैक्ट क्या होगा? प्राइस के ऊपर पड़ेगा. नाउ व्हाट इज फंडामेंटल्स? फंडामेंटल्स क्या है? फंडामेंटल्स हैं कंपनी के रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स और बुरे रिजल्ट्स. फंडामेंटल्स क्या है? न्यूज, अच्छी न्यूज या बुरी न्यूज. तो ये जो स्कूल ऑफ थॉट है फंडामेंटलिस्ट की, ये कहते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में जो प्राइस चलती है वो न्यूज की बेसिस पे चलती है. अच्छी न्यूज आएगी, एंटीसिपेटेड अच्छी न्यूज है तो प्राइस बढ़ जाएगी, और बुरी न्यूज होगी तो प्राइस गिर जाएगी. ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? अगर गवर्नमेंट ने फॉर एग्जाम्पल कोई फेवर दिया किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ग्रांट वगैरह दी, इज इट अ गुड न्यूज? क्या कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया, इज इट अ गुड न्यूज? कंपनी की ईपीएस बढ़ गई, इज इट अ गुड न्यूज? तो ये कहते हैं हर गुड न्यूज का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और हर एक बैड न्यूज का एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और उससे शेयर प्राइस मूव करती है काफी हद तक. ठीक है, जो चार्टिस्ट होते हैं वो कहते हैं जी फंडामेंटल से कोई फर्क नहीं पड़ता. वो कहते हैं रिजल्ट्स जो है ना कंपनी के वो इम्पोर्टेंट नहीं है. व्हाट इज इम्पोर्टेंट? फंडामेंटलिस्ट जो चार्टिस्ट हैं, चार्टिस्ट कहते हैं कि जो पास्ट मूवमेंट होती है ना स्टॉक प्राइस के अंदर वो इम्पोर्टेंट होती है, यानी के ट्रेंड इम्पोर्टेंट होता है. तो ये जो फंडामेंटल जो चार्टिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं? ये कंपनी के हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन लेते हैं, यानी कि 5 साल की इंफॉर्मेशन, 2 साल की इंफॉर्मेशन, 3 साल की इंफॉर्मेशन, और उस हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर एवरेज लगाकर टाइम सीरीज वगैरह के टूल्स इस्तेमाल करके क्या फाइंड आउट करते हैं? एवरेज बेसिस के ऊपर ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर प्रिडिक्ट करते हैं कि व्हाट वुड बी द फ्यूचर. कुछ इस तरह से कि कंपनी का इन्होंने ट्रेंड एनालिसिस किया और उस कंपनी के बारे में स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ इस तरह की मूवमेंट आ रही है, और यहां पर आके जो ना इंफॉर्मेशन खत्म हो रही है कि कंपनी की प्राइस यहां तक पहुंच चुकी है, और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि दिस इज दी मैक्सिमम डाउनफॉल जो अब तक कंपनी की प्राइस में आता है. तो ये प्रिडिक्ट करेंगे कि क्या, क्योंकि पास्ट में कंपनी की प्राइस कभी इससे नीचे नहीं गई, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी की प्राइस अब बाउंस बैक करेगी और इसके अंदर एक अपर ट्रेंड आएगा. इसका मतलब है देयर प्रिडिक्शन इज दैट कि शेयर प्राइस बढ़ने वाली है. तो ये सिंपली किस पे काम कर रहे होते हैं? ये सिंपली पास्ट डेटा को एक्सपर्टीज के साथ अंडरस्टैंड करके उसके बारे में फ्यूचर से कोई प्रेडिक्शन निकाल रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड और सारी चीजें, और समटाइम्स देयर प्रेडिक्शंस आर एज गुड एज द प्रेडिक्शंस ऑफ फंडामेंटलिस्ट, एंड समटाइम्स फंडामेंटलिस्ट प्रेडिक्शंस आर वेरी गुड, समटाइम्स टेक्निकल एनालिस्ट प्रेडिक्शंस आर वेरी गुड, और कभी कभार ऐसा होता है कि जी दोनों की प्रेडिक्शंस काम नहीं कर रही होती और मार्केट बिल्कुल ही अजीब-गरीब तरीके से मूव कर रही होती. तो अगर मार्केट किसी इन दोनों के थॉट्स के अगेंस्ट, इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट,
कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है फिर भी शेयर प्राइस गिर रही है, तो एक और चीज होती है जो मार्केट को अफेक्ट करती है और वो होती है